नमस्कार, मैं आज आपके सामने ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हूँ। और ज्योग्राफी में क्योंकि कॉन्सेप्ट का रोल बहुत ज्यादा है और मैप तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा मैप का रोल है। और मैं जो आज आपके सामने इंडिया का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैप का, और इससे संबंधित आपके पास कई सारे वीडियो आएंगे और एक प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें यूटीज है और कर्क रेखा कितने राज्य से पास होती है, देशांतर रेखा कितने राज्य से पास होती है, ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, मिनरल्स कहाँ पे कौन से हैं, डैम, रिवर्स, सब आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा आपको। और मैं आप शुरू करने से पहले अभी जो न्यूज में था, हमारा पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो हमारा न्यूज में था कि भारत में एक राज्य जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इंडिया की फर्स्ट फर्स्ट एक स्टेट है जिसको डिवाइड करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। हमारा स्टेट है ये जम्मू कश्मीर, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, हमारा वो यूटी में कन्वर्ट हो गया, एक लद्दाख, और दूसरा क्या बन गया हमारा जम्मू कश्मीर। लद्दाख का कैपिटल क्या है, लेह है, जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर, 6 महीने जम्मू 6 महीने श्रीनगर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कर दूं कि हमारे जो देश आजाद हुआ उस समय 563 रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, 563 रियासतें थी, प्रिंसिपल स्टेट जिनको बोलते हैं। उसके बाद जब आजाद हुआ तो उसको सबको चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। और आज के समय में हमारे के दो तरह के राज्य रहते हैं, एक रहते हैं राज्य हैं और दूसरे क्या है, यूटी, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र है, जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, वो उस तरह के राज्य हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरह अगर जिसको राज्य को डिवाइड कर दिया है हमने, तो राज्य को जो हमने डिवाइड कर दिया है तो हमारे यहाँ पहले 29 स्टेट थे, अब बचे कितने, 28 स्टेट। कितने स्टेट है, 28 स्टेट और 9 यूटी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतरी विस्तार की जो बात करें वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है ना। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो हम शुरू करते हैं चलिए। तो पहला जो हमारा नॉर्दर्न स्टेट हुआ करता था वो था जम्मू कश्मीर, और हमारा जो हो गया है वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। उसके बाद क्या, हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा और इधर पंजाब। हरियाणा पंजाब इसलिए मैंने बोला कि इन दोनों की जो राजधानी वो चंडीगढ़, ठीक है ना, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, दोनों के हाईकोर्ट भी वहीं पे है। और उसके बाद क्या है, राजस्थान, राजस्थान कैपिटल क्या हमारा, राजस्थान कैपिटल हमारा जयपुर, ठीक है ना, जयपुर हमारा राजस्थान का। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है हमारा, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। फिर हमारा है गुजरात, गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर, जी से याद रखिएगा, ठीक है ना, बापू का राज, ये वैसे तो बापू का पूरा इंडिया है, बापू का राज। उसके बाद फिर क्या हमारा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या हमारा, मुंबई, जहां पे सारा क्या होता है, इसमें बहुत कुछ चल रहा था हमारे यहाँ, बहुत अभी वो चल रहा था। फिर उसके बाद गोवा, गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी, ठीक है ना। गोवा की और एक खास बात है कि गोवा का जो ये है कि गोवा में ही कॉमन सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है, आर्टिकल 44 इसकी बात की जाती है, सबके लिए एक समान कानून। उसके लिए कर्नाटका, कर्नाटक कैपिटल क्या है हमारा, बेंगलोर, क्या है, बेंगलोर है। उसके बाद हमारा क्या है, केरला, केरला कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, क्या है, तिरुवनंतपुरम। फिर इधर यह तमिलनाडु, तमिलनाडु कैपिटल क्या है हमारा, चेन्नई, क्या है, चेन्नई है। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आप सोच रहे मैंने दोनों को साथ में क्यों बोल दिया, मैंने दोनों को इसलिए साथ में बोल दिया कि इन दोनों की राजधानी अभी एक ही है, वो क्या, हैदराबाद, ठीक है ना। जब 2014 में इनको जब डिवाइड किया गया, आंध्र प्रदेश स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो ये समझौता हुआ दोनों राज्यों के बीच में कि 2024 तक दोनों का कैपिटल क्या रहेगा, वो रहेगा हैदराबाद ही रहेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश अपनी नई कैपिटल बनाए और उसने बनाई अमरावती। और बहुत रोचक बात मैं बताता हूँ आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो हमारा इसका आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, आज से आंध्र प्रदेश, आज से अमरावती, उसका जो डिजाइन तैयार कर रहे हैं हमें, वो ये राजामौली साहब कर रहे हैं जिन्होंने हमारी बाहुबली पिक्चर बनाई थी, हमको बहुत सुपरहिट पिक्चर दी है, ठीक है ना वो। और तेलंगाना कैपिटल क्या, हैदराबाद। इनका कैपिटल क्या, अभी हैदराबाद, लेकिन 2024 के बाद क्या होगा, अमरावती। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है, वो है अमरावती, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर आया क्या था, ओडिशा, ओडिशा कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है ना। फिर इधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैपिटल क्या है, रायपुर, ठीक है ना। ये छह छत्तीसगढ़ लिखा, छह से याद कर लीजिए, छह राज्यों की सीमा लगती है। फिर हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल क्या है हमारा, इसका कैपिटल कोलकाता।
और वेस्ट बंगाल के लिए भी एक और आपके लिए बता दूं बहुत खास बात कि वेस्ट बंगाल का नाम बदलने के लिए वहां की सीएम साहब जो है कई बार कह चुकी है कि वो किसी भी समिट में जाती हैं या किसी भी कॉन्फ्रेंस जाती है वहां पे उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर बहुत बाद में आता है स्टेट वाइज। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम स्टेट का नाम बदल के पश्चिम बंग कर दीजिए। तो आपके लिए यहाँ बहुत जानकारी वाली बात है, आप कॉन्सेप्ट यही भी क्लियर कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो आपने ऊपर देखा कि ये जो हमारे यूटी में कन्वर्ट किया गया और यहाँ पे नाम बदलने की जो बात आ रही है, ये काम जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, ये काम करना है पार्लियामेंट का। तो आपको पता रहे किसी भी नए राज्य को बनाना हो, जोड़ना हो, तोड़ना हो, बाउंड्री कुछ करनी हो, नाम तक बदलना हो, कौन करेगा? वो करेगा पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। फिर झारखंड कैपिटल क्या हमारा? रांची, धोनी का स्टेट। तो बिहार, बिहार कैपिटल क्या हमारा? बिहार का कैपिटल हमारा है पटना, ठीक है ना, पाटलिपुत्र इसको बोलते थे। यूपी, यूपी कैपिटल क्या? लखनऊ। तो यूपी हमारा सबसे पॉपुलेटेड, यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी की, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, ठीक है ना, पड़ोस पड़ोस में ही दोनों स्टेट। और ये 8 स्टेट से बाउंड्री लगाता है, ठीक है ना। और सिक्किम कैपिटल क्या है हमारा? सिक्किम कैपिटल गैंगटॉक है। क्या है? गैंगटॉक, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग प्रवेश करते हैं जो सेवन सिस्टर्स के लोग बोलते हैं, ठीक है ना, सात बहनों वाला बोलते हैं स्टेट, सात यहाँ पे स्टेट है उनको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जो पहला हमारा क्या है, असम, असम कैपिटल क्या? दिसपुर है। फिर मेघालय, मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग है। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। और फिर मिजोरम, मिजोरम का आइजोल। फिर मणिपुर का इम्फाल। नागालैंड का कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। तो आपने देख तो लिया स्टेट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से सीधे क्वेश्चन आता है, सीधे क्वेश्चन सीरीज में पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, सीरीज में भी आए हुए, एनडीए भी आए हुए पहले, और क्वेश्चन और एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन कौन से बाउंड्री किससे लगा रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, तो सेवन स्टेट्स के पहले नाम याद कर लीजिए। तो आप याद कर लीजिए 3M 2AN। तो 3M कैसे हो गया आपका? मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, तीन तो ये हो गए। 2A अरुणाचल प्रदेश, असम, और एन से हमारा क्या हो गया? नागालैंड हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो अभी टीम एन कर लीजिए या टीम, अब किस तरह है करोगे? दूसरे तरीके से एक और तरीका देख लीजिए आप, बढ़िया ट्रिक है कि त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा मी, त्रिपुरा में मी, ठीक है ना, और मेरे पास क्या? मणि है, ठीक है ना, मणि यानी कि मणिपुर, ठीक है ना, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर है। और मणि जब होगी तो नाग भी होगा ऊपर, नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड कोहिमा है, और ये है नाग भी आ गया। और जब नाग आएगा तो अरुण भी आएगा, यानी कि प्रकाश आ जाएगा, ठीक है ना, प्रकाश आ जाएगा। और प्रकाश कहाँ आएगा? आसमान में आएगा। और जब आसमान में आएगा तो फिर क्या हमारे आ जाएंगे? मेघ आ जाएंगे, यानी कि मेघ यानी कि बादल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि आप इसको इस तरह याद करें, आत्मसात करें, पढ़ें, क्योंकि बराबर न्यूज में है, एग्जाम से जरूर क्वेश्चन कुछ बनना ही बनना है। और क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं हम आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे कि पहला जो कितने स्टेट अभी हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ कितने स्टेट हो गए? हमारे यहाँ 28 स्टेट हो गए। कितनी यूटी हो गई? 9 यूटी हो गई, ठीक है ना। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। कब बना? 1953 में बना, ठीक है ना। और उत्तर पूर्व कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। कितने हैं? 7 स्टेट, ठीक है। 3 आप कर दीजिए, 3M 2A और N, 7 हो गया, 3 2 5 7 हो गया, ठीक है। और राज्य की राजधानी आपने देख ली, ठीक है ना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है हमारा, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है? यूपी। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की, ठीक है ना। ये रहा, तो आप इसी तरह पढ़ते रहें।